बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे चिकन समोसे की। चिकन समोसा बनाने के लिए 200 ग्राम चिकन है, इसको हमने बारीक पीस में काट लिया था। ये शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून से कम जीरा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी मिर्च शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल करेंगे पाउडर, हाफ़ चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, ज़ीरा गरम मसाला शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून से कम। इन सब चीज़ों को ऐसे मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी लगाएंगे इसके अंदर, पेस्ट बना लेंगे इसका। चिकन के ऊपर लगाएंगे इसको। इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए ऐसे ही रख देते हैं। समोसे की डो रेडी कर लेते हैं। डो बनाने के लिए 1/2 कप मैदा लिया है, 2 चम्मच मेल्टेड घी लिया है, थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करेंगे, अजवाइन भी शामिल कर सकते हैं, इसमें थोड़ा नमक शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। हाथ से मल के इसको अच्छा सा हाथ से मल लेते हैं। वो ना हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। इसको अच्छा सा मिला गूंदने के बाद इसको 10 मिनट के लिए ऑयल लगा के रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको बारीक बेल लेते हैं। हल्का हल्का मैदा लगाएंगे, जैसे हम घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे बेलेंगे इसको बारीक। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, बहुत मज़े के और टेस्टी बनते हैं, बहुत सीधी और आसान है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं, तकरीबन इसको इतना बारीक बेला है हमने इसको। कटर है तो कटर की मदद से काट लें, हमारे पास किनारे वाला गिलास है, इसके साथ हम शेप देंगे इसको। बाकी को भी बेल लेंगे दोबारा।
बाकी को भी ऐसे बेल लेते हैं। माशाल्लाह से ये सब हमने बेल लिया एक स्टिक की मदद से। इसके अंदर होल है, इसके अंदर होल कर लेते हैं। हाफ इंच के फासले पे करेंगे, ये बहुत इजी और आसानी से निकल जाते हैं, बहुत प्यारे और ख़ूबसूरत लगते हैं। समोसे की शेप में भी दे सकते हैं इसको, चौरस में भी दे बना सकते हैं इसको, गोल में भी बना सकते हैं, स्प्रिंग रोल की शेप में भी बना सकते हैं, जैसे चाहे मर्जी बनाएं। ऐसे इजी से निकल जाते हैं। बाकी के भी ऐसे रेडी कर लेते हैं। सबके अंदर हमने होल कर लिए। अब इसके ऊपर लगाएंगे फिंगर से थोड़ा सा पानी। चिकन का पीस रखेंगे इसके ऊपर, दूसरा पीस इसका रखेंगे ऊपर। अच्छा सा इसको दबा देंगे फिंगर की मदद से। कांटे की मदद से हल्का सा डिज़ाइन बना देंगे इसके ऊपर। बहुत इजी और आसान है, ये जल्दी से तैयार हो चुके हैं। ये भी हमारा रेडी हो चुका है लास्ट वाला। इसको दबा देंगे हाथ से। कांटे की मदद से फिर दबा देंगे इसको हल्का सा। रेडी हो चुका है। अब इसको इन सबको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल हमारा हल्का गर्म है, इसको फ्राई कर लेते हैं। इसको फ्राई करेंगे बिल्कुल हल्की आंच पे, तकरीबन 5-6 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। चिकन भी अच्छे से अंदर से गल जाएगी, क्योंकि चिकन हमने इसके अंदर कच्ची शामिल की थी। माशाल्लाह से 5-6 मिनट हो गए इसको पकते हुए, वैसे भी कलर आना शुरू हो गया। हल्की आंच पे ऐसे लास्ट वाले फ्राई कर लेते हैं। इसको भी ऐसी हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। माशाल्लाह से हमारे लास्ट वाले भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। चूल्हा बंद कर देते हैं। माशाल्लाह से हमारी रमज़ान स्पेशल रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। बहुत ईजी और आसान थी, बहुत मज़े की और ख़स्ता बने, ज़रूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ। और जो नए हैं हमारे चैनल पर, वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमतों के साए में महफूज रखे। माशाल्लाह से बहुत खस्ता और मज़े के बने हैं, ये अंदर से भी माशाल्लाह से बिल्कुल पक चुके हैं। बहुत ईजी आसान रेसिपी थी, ज़रूर ट्राई करना। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होती हूँ। अल्लाह हाफिज़।